पंजाब की करेंगे। बिहार से लेकर पंजाब तक नदियां उफन रही हैं। बिहार में कोसी नदी के किनारे बसे हजारों गांव में पानी भर गया है। ये गांव शहर से कट गए हैं। उधर पंजाब के गुरदासपुर में होशियारपुर तक बाढ़ कहर बरपा रही है। खुद सीएम मान ने नाव में बैठकर लोगों को रेस्क्यू करने में मदद की। जाते मॉनसून ने देश के कुछ राज्यों में कहर बरपा दिया है। नदी नाले उफन रहे हैं और बांधों से छोड़े गए पानी ने जिंदगी को पटरी से उतार दिया है। बिहार का शोक कहे जाने वाली कोसी नदी ने मधेपुरा का क्या हाल कर दिया है, जरा देखिए। कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। हमारे संवाददाता रोहित सिंह मधेपुरा के फुलौत गांव पहुंचे तो पीड़ितों से बात करने के लिए उनको भी 4 फुट पानी में उतरना पड़ा। पूरा गांव 1 महीने से इसी हाल में है। लोग घरों को छोड़ पुल पर शरण लिए हुए हैं। पिछले एक सप्ताह में कोसी नदी के जलस्तर में जिस तरीके से बढ़ोतरी देखने को मिली है, उसकी तस्वीर दिखाने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं मधेपुरा जिले के चौसा प्रखंड अंतर्गत फुलौत गांव में। हम इस वक्त फुलौत गांव पे हैं और आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप पहले यहां से देखिए किस तरीके से कोसी नदी का पानी आपको चारों तरफ जो है वो फैला हुआ मिलेगा। और ये हालात पिछले तकरीबन एक सप्ताह से ऐसे हो गए हैं जब से नेपाल में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और फिर कोसी बराज से जो पानी छोड़ा गया था, अत्यधिक पानी, उसके वजह से ये इलाका आप देख सकते हैं पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। यहाँ गांव के गांव, घर के घर यहाँ पर जो है वो जलमग्न हो चुके हैं और लोगों को जो है अब अपनी जान बचाने के लिए पास के एक पुल पर शरण लेना पड़ा है जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं। ये हालात है बिट्टू? ये सर कम से कम 1 महीना से है। 1 महीना से ये हालात है जी। तो फिर कैसे, मतलब घर में पानी चला गया है? घर में पानी चला गया है सर, यही पुला पे रहते हैं। पुल पे ही रहते हैं जी सर। तो फिर खाने पीने का क्या व्यवस्था है, मवेशी के लिए क्या है व्यवस्था? नहीं सर, वो सब सरकारी लोग ऐसे सर कुछ नहीं देता सर। जो घर में निम्बक रोटी होता सर वही खाते हैं, बाकी बात कहाँ पे रह रहे हैं अभी आप लोग? पुला पर रह रहे हैं। पुल पर रह रहे हैं? पुल पर रह रहे हैं। है? संपत्ति निकालने के लिए, मतलब मकई तक डूब गई है, खाने नहीं पड़ेगा तो छोड़ देंगे। अच्छा। क्या करेंगे, मरने के लिए जाएंगे। सुपौल का हाल भी काफी खराब है। कोसी के उफान के बाद कई गांवों में पानी भरा हुआ है। पंजाब में बारिश कम हुई लेकिन हिमाचल की भारी बारिश का असर यहां तक दिख रहा है। नदियों में उफान के चलते गुरदासपुर और होशियारपुर के सैकड़ों गांवों में हालात खराब हैं। 3 दिन से पोंग डैम से छोड़े गए पानी से होशियारपुर के गांव डूब गए हैं। टांडा, दसुहा और मुकेरिया क्षेत्र में बाढ़ से खासा नुकसान हुआ है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लोगों को लगातार रेस्क्यू कर रही हैं। होशियारपुर में हालात इतने खराब हैं कि खुद सीएम भगवंत मान ने एक नाव में सवार होकर प्रभावित गांवों का दौरा किया। सीएम भगवंत मान खुद बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को निकालते हुए नजर आए। साढ़े डैम जिहड़े ने उन्हां दी इनटेक बच जाती है, तो इस वक्त जे मैं दसा तो मैं हर वक्त संपर्क दे विच आ हिमाचल गौरमेंट नाल, BBMB नाल, साढ़े अफसर हर वक्त उन्हां दे संपर्क च ने। कोई जिहड़ी है खतरे वाली गल नहीं, कोई सनसनी फैलाउण वाली गल नहीं, कोई घबराहट वाली गल नहीं। जिहड़े नीमे इलाके ने उत्थे पानी आया, पहले भी आया सी। सो पोंग डैम जिहड़ा है वो इस वक्त खतरे के निशान तो 6 फुट उपर है, पर कोई गल नहीं, जिहड़ा वो डैम जिहड़ा वो पहला ये तो भी 10-10 फुट उपर रहा है, पर सेफ्टी है। गुरदासपुर में भी बाढ़ ने सैकड़ों किसानों को प्रभावित किया है। जगतपुर में नदी की सुरक्षा दीवार में दरार आ गई है, किसान खुद इसकी मरम्मत कर रहे हैं। गुरदासपुर में सेना प्रभावित गांव से लोगों को निकाल रही है। यूपी के फर्रुखाबाद में सड़कों पर ही चिता जल रही है। ऐसा करना मजबूरी है क्योंकि शमशान घाटों पर पानी भरा है, गांव भी पानी में डूबा है और लोग नाव से ही बाहर निकल पा रहे हैं। पंजाब से बिहार तक बाढ़ ने कहर बरपा दिया है। प्रभावित इलाकों की तादाद लगातार बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।